हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता। बनाने में एकदम ही आसान है और ये बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आता है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने आधा कप यहाँ पर लिए हैं मटर, काबली मटर। इसको मैंने रात को फूलने के लिए डाल दिया था। और अब यहाँ एक मिक्सी के जार में थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दिया, और साथ ही जो मटर फूलने के लिए डाले हुए थे वो भी डाल दिए। अच्छे से धो के तब उसको मैंने डाला है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने ज़रा सा पानी डाल के इसको पीस लिया है। अब इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी। सूजी की जगह आप चाहें तो चावल आटा भी डाल सकते हैं। साथ ही डाल दिया नमक टेस्ट के हिसाब से, ज़रा सा हल्दी पाउडर और भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर, और ये डाल दिया आधा चम्मच से गरम मसाला पाउडर, और आधा कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा इसमें डाल दिया है। और अब इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाल देंगे यहाँ पे, या फिर घी कुछ भी डाल सकते हैं। साथ ही डाल दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब सारी चीज़ों को हमने हाथ से बढ़िया से मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक डो बना के तैयार कर लेना है। थोड़ा सा इसको गीला ही रखेंगे अभी, क्योंकि सूजी वगैरह सब फूल के थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, इसलिए इसको 10 मिनट के लिए हम रख देते हैं। तो यहाँ 10 मिनट हो गए और सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है, आटा भी थोड़ा सा सख्त हो गया है। तो अब मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लिया है और इसको फिर से हमने एक बार मसल के इस तरीके से थोड़ा सा इसको चिकना कर लेना है। तो अब यहाँ ही मैंने कर लिया है, हाथों को फिर से साफ कर लेंगे और थोड़ा सा तेल लगा लेंगे फिर से। और फिर थोड़ा सा यहाँ पे हमने डो ले लेना है, थोड़ा बड़ा लेना है, जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उससे बड़ी लेनी है। तो इस तरीके से मैंने देखिए बना के तैयार कर लिया है, और ऐसे ही हम सारा बना के तैयार कर लेंगे। अब ये मैंने एक प्लेट ले ली है जाली वाली, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल भी लगा दिया है, और इसी में हमने इसको इस तरीके से बना के रख लेना है। आप चाहें तो गोल गोल छोटे छोटे बॉल भी बना सकते हैं, या इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे भी पसंद हो वैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने बना लिया है, अब इसको हमने स्टीम कर लेना है। तो यहाँ पानी उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिया था, तो इसको हम इसमें रख देंगे। बस 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम कर लेना है। तो यहाँ पे 10-15 मिनट हो गए थे और ये अच्छे से पक चुका है, बढ़िया से स्टीम हो गया है। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इसमें से हम निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है, और ये मैंने निकाल के एक प्लेट में रख लिया है, और अब इसको हमने कट कर लेना है। देखिए बहुत ही अच्छे से ये पका है, तो अब इसको कट कर लेते हैं। तो जैसे भी आपको कट करना है आप अपने हिसाब से कट करके इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से पक के अंदर तक अच्छे से ये पक चुका है। तो आप चाहें तो इसको इसी तरीके से खा सकते हैं, थोड़ा सा गरम गरम ही आप इसको कट करके चटनी के साथ अगर आप चाहें तो खा सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा फ्राई करके या फिर डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप इसे बना सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, तो चलिए फटाफट से हम इसको फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पर चढ़ा दी कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तेल, और अब जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई, साथ ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सफ़ेद वाली तिल भी डाल दी है, और डाल देते हैं थोड़ा सा करी पत्ता। और अब मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको कि लंबाई में मैंने इस तरीके से मोटा मोटा ही कट कर लिया है। प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, भून लेना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 1-2 हरी मिर्च डाल दी है, और यहाँ देखिए प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। तो इसमें अब डाल देते हैं नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, साथ ही पिंच भर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, ज़रा सा डाला है यहाँ पे लाल मिर्च, और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, और ये डाल दिया मैंने एक पैकेट से मैगी मसाला यहाँ पे मैंने डाला है इसमें। तो मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने मैगी मसाला डाला है। आप गरम मसाला डाल के बना सकते हैं, या फिर पाव भाजी मसाला डाल के बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल ही इसको बिना मसाले के भी फ्राई करके बना सकते हैं। तो जैसे भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरीके से भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बढ़िया से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको ढक के हमने अच्छे से पका लेना है, ताकि मसाले अच्छे से इसमें
कोट हो जाएं। तो यहाँ बढ़िया से मैंने इसको 5 मिनट के लिए पका लिया है और ये अच्छे से पक चुका है। बढ़िया से मसाले भी कोट हो गए हैं इसमें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी सा चटपटा सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट से अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर अपने मनपसंद चटनी के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।